गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी की हत्या के बाद कानपुर जिले में भी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। शहर में बीते 3 दिन में 5 हत्याएं हो गईं। दरअसल सचेड़ी थाना क्षेत्र में टिकरा गांव के पास गुरुवार को दिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अभी आरोपियों की तलाश कर ही रही थी कि शुक्रवार देर रात बर्रा थाना क्षेत्र में एक सपा नेता हर्ष यादव को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में पुलिस कमिश्नर अजीम अरुण ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकर के पकड़ा गया है एक साहसिक भीड़ में और शिवेंद्र को बर्रा थाने पे लाया गया है, इससे पूछताछ चल रही है। कानपुर शहर में हत्याओं का सिलसिला अभी रुका नहीं, क्योंकि शनिवार को फजलगंज में दंपति और उनकी 12 वर्ष की बेटी की भी हत्या कर दी गई। आज सुबह तिहरे हत्याकांड की जानकारी होते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, साथ ही राजनीतिक पार्टियों के नेता भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हत्यारों ने घटना को लूटपाट दर्शाने की कोशिश की है, लेकिन यह लूट नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ पति पत्नी और बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। टीम डेली इंसाइडर यूपी।